एवरीवन, आज हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में यूनिट नंबर 8 रूफ ट्रसेस को पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 1 है। तो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ रूफ ट्रसेस है। इंट्रोडक्शन ऑफ रूफ ट्रसेस यानी फर्स्टली हमको ये जानना है कि रूफ ट्रसेस क्या होती है। रूफ ट्रसेस एक स्टील स्ट्रक्चर है जो कि इज अ रूफ काम करता है। तो यानी कि आपके किसी भी स्टील का एक स्ट्रक्चर है जो कि बॉटम है, उसके ढकने के लिए हम लोग रूफ ट्रसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल आपकी रूफ ट्रसेस प्लेन होती है, लेकिन यहाँ पर आप बाई एंगल शेप एक ट्रस का निर्माण करते हैं तो वो रूफ ट्रस कहलाती है। तो हम कहें कि ये कहाँ पर यूज़ की जाए, तो यानी लार्ज कॉलम फ्री एरिया आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिटोरियम असेंबली हॉल वर्कशॉप। यानी कि आपको एक लार्ज फ्री कॉलम एरिया चाहिए, यानी कि दो कोई भी कॉलम है उनके मध्य का जो स्पेस है वो काफ़ी अधिक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका सिंपल आरसीसी वाला बीम बनाने वाली छत ज़्यादा बेनिफिशियल या ज़्यादा सही नहीं रहती। तो इसकी कंडीशन को आप फुलफ़िल कर सकते हैं रूफ ट्रसेस के थ्रू। तो रूफ ट्रसेस के थ्रू आप क्या करते हैं कि आप एक स्टील स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और उसको आप एक लार्ज फ्री कॉलम स्पेस एरिया में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये रूफिंग सिस्टम कहलाता है। तो आपका रूफिंग सिस्टम ऐसा रूफिंग सिस्टम जिसके अंदर कि आपके दो कॉलम हैं जो कि ज़्यादा स्पेस में है, और एक आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं स्टील का जिसकी शेप कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू उसकी जो स्पेसिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो आप रूफिंग सिस्टम आप कहेंगे अ सेट ऑफ स्टील रूफ ट्रस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है उसमें इंटरकनेक्टिंग कनेक्टेड विद पर्लिंस, यानी कि आपके रूफ ट्रसेस में उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए पर्लिंस लगे हुए होंगे। उसके अलावा विच इन टर्न सपोर्ट जीआई और एसी शीट, यानी कि जो आपका पर्लिन लगा हुआ है वो आपके जीआई शीट और एसी शीट को सपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद में अ रूफ ट्रस आर सपोर्टेड ऑन अ वॉल और सीरीज ऑफ कॉलम, यानी कि आपका जो रूफ ट्रस है वो किसी वॉल पे भी सपोर्टेड हो सकता है या फिर सीरीज ऑफ कॉलम्स में भी सपोर्टेड हो सकता है। तो ये चारों अगर किसी एक स्टील स्ट्रक्चर में है तो वो आपका रूफिंग सिस्टम कहलाता है। अब आपके रूफ ट्रस का हम डायग्राम देखते हैं। तो नॉर्मल आपका जो यूनिट है ये, इसके अंदर आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ रूफ ट्रस है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रूफ ट्रस अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है। तो आपका ये जो डायग्राम है, ये जो फर्स्ट जो डायग्राम बनाया गया है ऊपर का, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है और ये इसका प्लान है। तो आप इसके क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि इस तरीके का स्टील स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये दो इसके कॉलम्स हैं, उसके अलावा ये ट्रायंगुलर इसकी शेप है। उसके अलावा आपको ऊपर ये इस तरीके की शेप दिखाई दे रही होगी, ये इसके पर्लिंस है। तो ये चैनल, यहाँ पर तो चैनल में शो किया गया, ये आई सेक्शन भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है और चैनल भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू लोड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये अलग अलग वेरी कर सकते हैं। तो आपका ये वाला सेक्शन आपका पर्लिन कहलाता है। उसके अलावा जो ऊपर आपकी ब्लू कलर में जो लाइन दिखाई दे रही है, ये आपकी जी आई शीट है। तो ये जी आई शीट भी हो सकती है, ए सी शीट भी हो सकती है। उसके अलावा जो ये आपका राउंडेड शेप है, ये इसकी रिज है, यानी कि किसी भी आपकी रूफ ट्रस का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको अपन रिज कहते हैं। यानी रिज वो पॉइंट है जहाँ पर कि आपका एक सेक्शन एक स्लोप से दूसरे स्लोप में अलग अलग डायरेक्शन में चेंज होता है, उसको आप रिज कहते हैं। उसके अलावा एक आपका ईव है, तो ये आपका जहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है इसको ईव कहते हैं। तो यहाँ पर एक नाली प्रोवाइड की जाती है, यानी कि अगर आपके किसी रूफ ट्रस में पानी आता है तो वो इस नाली के थ्रू बह के नीचे डाल दिया जाता है, तो ये आप ईव कहलाता है। उसके अलावा जो मिड की जो लाइन होती है उसे वो सेगटाई कहते हैं। उसके अलावा आपका जहाँ पर ये एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं उसको पैनल पॉइंट कहते हैं। तो यानी कि ये ऊपर वाले पॉइंट से ये जहाँ जहाँ पर मिल रहे हैं ये सारे आपके पैनल पॉइंट है। तो आपके पैनल पॉइंट या पैनल जॉइंट के ऊपर ही पर्लिन को लगाया जाता है और उसके ऊपर एसी शीट उसको सपोर्ट करती है। तो उसके अलावा आपके जो पैनल पॉइंट है वो उसके अलावा, हाँ, तो ये नॉर्मल इसकी नेमिंग है जो कि आपको याद रखनी है और जो आपके यहाँ पर यूज़ होगी। उसके अलावा आपका एक है प्रिंसिपल राफ्टर, यानी कि ये जो रेड में टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट लाइन है, ये आपकी प्रिंसिपल राफ्टर कहलाती है। अब आपके इसके प्लान को देखते हैं। तो इसके प्लान में अगर हम देखें तो ये आपका वॉल है या फिर इसे कॉलम भी कह सकते हैं। तो ये आपके कॉलम है मेन,
और ये आपकी कंटिन्यू वॉल भी हो सकती है। ये जो डार्क ब्लू लाइन है ये आपकी रूफ ट्रसेज है, तो यानी ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये यहाँ पर इस तरीके की फॉर्म में लगा हुआ है। उसके अलावा जो ये रेड लाइन्स है ये इसकी पर्लिंस की लाइन है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इसकी स्ट्रेट में ये जा रहा है, तो ये इसकी पर्लिन लगी हुई है। तो ये चैनल या आई या एंगल सेक्शन हो सकते हैं जो कि स्ट्रेट फॉर्म इस तरीके से लगे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं कि आपस में आपकी रूफ ट्रस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको रूफिंग सिस्टम बताया था, तो उसमें आपको बताया गया था कि अ सेट ऑफ स्टील रूफ ट्रस, तो ये तो आपका अ सेट ऑफ स्टील रूफ ट्रस है, इंटरकनेक्टेड विद पर्लिन्स है, तो यानी कि यहाँ पर ये पर्लिन आपस में रूफ ट्रस को इंटरकनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में उसके अलावा एसी शीट थी, तो ये आपके जो पर्लिन है उसके ऊपर एसी शीट लगी हुई है, और रूफ ट्रस आर सपोर्टेड ऑन अ वॉल और सीरीज ऑफ कॉलम, तो यानी आपका जो रूफ ट्रस है वो सपोर्ट कर रहा है वॉल और कॉलम पर। तो इस तरीके से आपका रूफ ट्रस का इंट्रोडक्शन है, या फिर उसको किस तरीके से दिखाया जा सकता है डायग्राम के थ्रू, तो ये आपको बताना होगा। एग्जाम में नॉर्मली इस तरीके का क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रूफ ट्रस, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, इसके जो एलिमेंट्स है या जो इसके कौन कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं विद डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये इस तरीके से आपका डायग्राम है और यहाँ पर शो किया गया है। अब आप नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है नॉर्मल कल्चर ऑफ अ मेंबर ऑफ ट्रसेज। तो अब आपका जो नॉर्मल कल्चर है आपका जो मेंबर ट्रसेज में, एक आपका जो है फर्स्ट है टॉप कॉर्ड मेंबर। तो टॉप कॉर्ड मेंबर क्या होता है, रूफ ट्रस में आपका जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये जो रेड कलर की लाइन है ये आपका टॉप कॉर्ड मेंबर है। इसे अपन ने प्रिंसिपल राफ्टर भी कहा था और इसे अपन मेन राफ्टर भी कहते हैं। तो ये आपका टॉप कॉर्ड मेंबर है। तो टॉप कॉर्ड की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है, अपर मोस्ट लाइन ऑफ ट्रस। नेक्स्ट है पासिंग थ्रू अ पीक, यानी कि आपके जो टॉप कॉर्ड मेंबर है ये आपके पीक से होता हुआ गुजरता है, तो ये आपका पासिंग थ्रू अ पीक ऑल्सो नोन एज अ राफ्टर। उसके बाद में दे डायरेक्टली सपोर्ट पर्लिन, यानी कि ये पर्लिन को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो पर्लिन आपके इसके ऊपर ही जस्ट लगा होता है और उसके ऊपर एसी शीट लगी होती है। मेनली सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, यानी कि इस पर लगने वाला जो लोड या फोर्स होता है वो आपका कंप्रेशन होता है। इफ़ पर्लिन्स आर नॉट सपोर्टेड एट जॉइंट्स दे देन दे ऑल्सो सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस, यानी कि आपके इस डायग्राम को अगर मैं देखूँ, अगर आपका यहाँ इसके जस्ट ऊपर आप जो आपका राफ्टर है प्रिंसिपल राफ्टर, इसके जस्ट ऊपर अगर आप एसी शीट रख देते हैं और आप पर्लिन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपके डायरेक्टली इसमें आपका बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट हो जाएगा। तो अब आपका जो आप ये रूफ ट्रस का डिज़ाइन करेंगे तो आपको बेंडिंग को भी डिज़ाइन ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करना होगा, इसीलिए आपके जो पर्लिन है वो आपके बेंडिंग को बियर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो यानी कि आपका जो ये प्रिंसिपल राफ्टर है नॉर्मल सिचुएशन में आपका जो प्रिंसिपल राफ्टर वो कंप्रेशन ही बियर करता है, लेकिन अगर आपने पर्लिन नहीं लगाया है तो आपके फिर आप इसमें बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट होगा, और आपको जब डिज़ाइन करनी होगी तो बेंडिंग स्ट्रेस को भी ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करनी होगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा बॉटम कॉर्ड मेंबर, तो बॉटम कॉर्ड मेंबर यानी कि ये बॉटम में होगा इसीलिए उसे बॉटम कॉर्ड मेंबर का है। तो ये आपका जो दो सपोर्ट है उनके मध्य में जो सीधी लाइन जा रही है वो आपका बॉटम कॉर्ड मेंबर है। तो ये इस तरीके का जो एलिमेंट है वो आपका स्टील स्ट्रक्चर है वो आपका बॉटम कॉर्ड मेंबर है। तो देखिए एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ सपोर्ट टू अनदर एंड अलोंग विद लोअर मोस्ट लाइन ऑफ ट्रस नोन एज मेन टाइज, तो यानी कि इसको अपन मेन टाई भी कह सकते हैं। उसके अलावा मेनली सब्जेक्टिव टू टेंसाइल फोर्स ड्यू टू डेड लोड और लाइव लोड, यानी कि जो आपका बॉटम कॉर्ड मेंबर है उस पर टेंशन फोर्स लगता है, और ये इसकी जब अपन डिज़ाइन करते हैं तो वो एज अ टेंशन मेंबर डिज़ाइन करते हैं। तो आप लोगों ने टेंशन मेंबर की डिज़ाइन और कंप्रेशन मेंबर की डिज़ाइन पढ़ी होगी, तो आप लोगों को वहाँ पर एलिमेंट्स बताए गए होंगे। तो जैसे कि कंप्रेशन मेंबर का एक एग्जांपल कॉलम होता है, स्ट्रट होता है, वैसे ही आपका ये टेंशन मेंबर के लिए टाई एलिमेंट होते हैं। तो ये रूफ ट्रस में जो टाई एलिमेंट है वो बॉटम कॉर्ड मेंबर है जो एज अ टेंशन मेंबर काम करता है, इसे मेन टाई भी कहा जाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो स्ट्रट है। ये आपने कंप्रेशन में भी सुना होगा, स्ट्रट की रूफ ट्रसेज में जो स्ट्रट होते हैं वो एज अ कंप्रेशन मेंबर काम करते हैं, यानी कि आपके बॉटम कॉर्ड मेंबर और टॉप कॉर्ड मेंबर
दोनों को हटाकर अगर किसी भी रूफ ट्रस में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि कंप्रेशन फोर्स बियर करता है उसे स्टड कहते हैं। यानी कि अगर मैं इस रूफ ट्रस की बात करती हूँ तो इस डायग्राम में हम देखेंगे इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, ये काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, तो इनमें किसी में तो कंप्रेशन लग रहा होगा और किसी में टेंशन फोर्स लग रहा होगा। तो यानी कि मैं टॉप कॉर्ड मेंबर और बॉटम कॉर्ड मेंबर इनके अलावा कोई एक ऐसा एलिमेंट लेती हूँ जिसमें कि मेरे सिर्फ कंप्रेशन मेंबर कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, तो वो मेरे स्ट्रट कहलाएंगे। तो ये आपकी एक नेमिंग है स्ट्रट, जो आपको याद रखना है एज ए कंप्रेशन फोर्स वो लगता है। अब हम बात करते हैं स्लिंग। स्लिंग होता है, स्लिंग वो कहेंगे जो कि जैसे स्ट्रट था, तो स्ट्रट में तो आपका था कि जहाँ पर आपका बॉटम कॉर्ड और टॉप कॉर्ड को छोड़कर जिसमें कंप्रेशन लग रहा हो वो स्ट्रट कहलाता है। सिमिलरली स्लिंग में ऐसा है कि टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड को छोड़कर जहाँ पर कि टेंशन मेंबर लग रहा है वह आपका स्लिंग कहलाएगा। तो सिमिलरली हम इस डायग्राम को देखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हम देखें कि ये इन सारे एलिमेंट्स में कुछ में कंप्रेशन लग रहा होगा, किसी में टेंशन लग रहा होगा। तो ये सब आप लोगों ने जब आपका टॉस वाला जो 301 सब्जेक्ट है उसमें आपने रूफ ट्रसेस की डिज़ाइन पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि इसमें किसी एलिमेंट में कंप्रेशन लगता है और किसी में टेंशन लगता है। तो जिस एलिमेंट में कंप्रेशन लगता है वो तो आपका स्ट्रट कहलाता है, और जिस एलिमेंट में टेंशन लगता है वो आपका स्लिंग कहलाता है। उसके अलावा एक एलिमेंट है आपका सैग टाई। तो सैग टाई किसे कहेंगे, जहाँ पर किसी तरीके का लोड एक्ट नहीं करता है और किसी तरीके का फोर्स नहीं लगता वो आपका सैग टाई कहलाता है। तो आपके रूफ ट्रस में जो ये मिड वाली लाइन है ये आपकी सैग टाई है, यानी कि इस पर किसी तरीके का फोर्स नहीं लग रहा है, इस पर किसी तरीके का ना तो कंप्रेशन है ना टेंशन है। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये आपका सैग टाई है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं रूफ ट्रस का तो आपको ये सैग टाई को शो करना होगा कि सैग टाई कहाँ पर है। तो ये सैग टाई है आपकी। तो इस तरीके से ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रूफ ट्रसेज है। तो आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको यहाँ तक पढ़ना होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में रूफ ट्रसेज को